गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्ती रेंज के आईजी आरके भारद्वाज ने सिद्धार्थनगर जिले का दौरा किया। भारत नेपाल सीमा के कपिलवस्तु थाना इलाके के महादेवा कुर्मी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बॉर्डर क्षेत्र में ऑपरेशन कवच के तहत गठित सुरक्षा समितियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आरके भारद्वाज ने कहा कि सीमा पर गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। नवगठित समितियां सीमा पर और गांव में हर तरह की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखी है। आईजी आरके भारद्वाज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सद्दाम खान ने। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए आईजी बस्ती क्षेत्र के आईजी आरके भारद्वाज जी। सर, आज सिद्धार्थनगर जिले में आपका दौरा था, आपने यहाँ पर ग्राम सुरक्षा समिति के तहत गोष्ठी का आयोजन किया ऑपरेशन कवच को लेकर। सर, वो ऑपरेशन कवच है क्या और उसका उद्देश्य? देखिए, आज 26 जनवरी की संध्या पर हम पुलिस अधीक्षक और यहाँ पर एसडीएम साहब, यहाँ पर आपने देखा होगा चिकित्सा अधिकारी भी हैं, ब्लॉक के अधिकारी भी हैं, यहाँ पर हम आज एक ऑपरेशन कवच के तहत यहाँ पर आए हैं। पर्पस ये है कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे गांव हैं उनके अंदर में हम अपनी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको मैक्सिमाइज़ कराने के साथ में ही हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, चाहे वो पुलिस का हो, चौकीदार के माध्यम से हो, एसएसबी के माध्यम से हो, इंटेलिजेंस का हो या जो भी है, हम उसको और सुदृढ़ करें। और एक अपेक्षा जन सहयोग की होती है, वो जन सहयोग की अपेक्षा ग्राम सुरक्षा समिति के माध्यम से हम लोग जनता से अपेक्षा करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार के संज्ञान में लाई जा सकती है वो हमारे संज्ञान में लेकर आए। इसके अंदर में आवश्यक ये है कि जनता का सहयोग और जनता का इन्वॉल्वमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, जनपद में जाहिर है पुलिसिंग बेहतर है और बेहतर हो, सर इसको लेकर आप क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, जनपद की पुलिसिंग एक डायनामिक चीज़ है, ठीक है, जो कि समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए डायनामिकली चेंज होती है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर में हम लोग जो ग्रास रूट पुलिसिंग है, जो बेसिक पुलिसिंग है, हम उस पर जोर दे रहे हैं कि हम लोग वापस क्षेत्र में उतरें और उसके अंदर में उतरने के बाद में जो भी समस्याएं हैं उसको हम रिजॉल्व करें, जनसंपर्क करें और जो हमारी जो पुलिसिंग है जो प्रशासन है वो गांव पर पहुंचे, ये हमारी वरीयता में है। धन्यवाद। ये थे आईजी आरके भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि हमारा ये उद्देश्य है कि समय समय पर जो पुलिस है वो गाँव तक पहुँचे और लोगों की समस्याएँ सुने। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर।